अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव. टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ड्स मीनिंग ऑफ यूनिट वन, द लिटिल ब्रदर्स हेयर कट, छोटे भाई की हजामत. वर्ड्स मीनिंग हमने करने हैं और वर्ड्स मीनिंग बच्चों आपने करने हैं रफ शीट्स पर या लूज शीट्स पर, कॉपीज पर आपने काम नहीं करना. सबसे पहले सेकेंड लेक्चर के एंड में आपको जो डिक्टेशन बताई गई थी वो आपकी मामा या आपी आपसे रफ शीट पर वो डिक्टेशन लिखवाएंगी और उसके बाद डिक्टेशन करने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग प्लान करने हैं. वर्ड्स मीनिंग आपने बिल्कुल वैसे ही प्लान करने हैं जैसे क्लास में करते थे. आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे और डे मेंशन करेंगे, यूनिट वन लिखेंगे, द लिटिल ब्रदर्स हेयर कट, फिर क्वेश्चन राइट मीनिंग्स, और इसके बाद ऐसे ही प्लान करके बिल्कुल ऐसे जैसे क्लास में काम करते थे वैसे ही आपने करना है और आपने मार्कर और पेन के साथ काम करना है. देखें, क्लास वर्क डेट आप मेंशन कर लेंगे, डे मेंशन करेंगे, यूनिट वन द लिटिल ब्रदर्स हेयर कट, क्वेश्चन वन इज राइट मीनिंग्स. पहला वाला जो हमारा वर्ड है वो देखिए क्या है. नंबर वन इज टेरिबल. टेरिबल का इंग्लिश मीनिंग है ड्रेडफुल या ऑफुल. ड्रेडफुल, ऑफुल. उर्दू मीनिंग है हॉलनाक या दर्दनाक. हॉलनाक या दर्दनाक. दोबारा देखें, टेरिबल, ड्रेडफुल या ऑफुल, हॉलनाक या दर्दनाक. नंबर टू वर्ड देखें, पीप्ड. पीप्ड का मतलब है इंग्लिश मीनिंग है कास्ट अ ब्रीफ लुक. कास्ट अ ब्रीफ लुक, गौर से देखा. सेकेंड फॉर्म है ना, ईडी लिखा हुआ है तो देखा, गौर से देखा. पीप्ड, कास्ट अ ब्रीफ लुक, गौर से देखा. नंबर थ्री इज स्क्रैच्ड. ये भी सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, स्क्रैच्ड. मार्क द सरफेस ऑफ समथिंग विद पॉइंटेड थिंग. इंग्लिश मीनिंग है मार्क द सरफेस ऑफ समथिंग विद पॉइंटेड थिंग. उर्दू मीनिंग है खुजाना यानी खारिश करना. नंबर फोर इज ग्लग्ड. ग्लग्ड का इंग्लिश मीनिंग है पोर और ड्रिंक विद होलो गर्ग्युलिंग साउंड. पोर और ड्रिंक विद होलो गर्ग्युलिंग साउंड. गुड़गुड़ की आवाज़ निकालना. गुड़गुड़ की आवाज़ निकालना, जैसे गुड़गुड़ किसी की बुलबुले से बन रहे होते हैं किसी चीज़ में, लाइक शैम्पू वगैरह में या लोशन में, तो इस तरह की आवाज़ आ रही होती है. ग्लग्ड, पोर और ड्रिंक विद होलो गर्ग्युलिंग साउंड. गुड़गुड़ की आवाज़ निकालना. नंबर फाइव इज टम्बलिंग. फॉल सडनली, नीचे गिरना. टम्बलिंग, फॉल सडनली, नीचे गिरना. टम्बलिंग, फॉल सडनली, नीचे गिरना. नंबर सिक्स इज येलिंग. शाउट इन अ लाउड शार्प वे. शाउट इन अ लाउड शार्प वे, चीखना. क्या मीनिंग है चीखना? येलिंग, शाउट इन अ लाउड शार्प वे, चीखना. नंबर सेवन इज फ्यूरियस. फ्यूरियस का इंग्लिश मीनिंग है वायलेंट, शदीद गुस्से में. फ्यूरियस, वायलेंट, शदीद गुस्से में. फ्यूरियस, वायलेंट, शदीद गुस्से में. नंबर एट इज प्लांटेड. प्लेस समथिंग ऑन समवेयर. प्लेस समथिंग ऑन समवेयर. उर्दू मीनिंग है लगाए या गाड़े. लगाए या गाड़े. जैसे प्लांट हम प्लांट करते हैं, प्लांट का मतलब है लगाना या बोना, ठीक है. सेकंड फॉर्म है प्लांटेड, लेकिन स्टोरी में कैसे यूज हुआ है कि उसने अपने दांत जो है वो बार्बर के फिंगर में प्लांट कर दिए थे, यानी गाड़ दिए थे उसके उंगली में, दांत गाड़ दिए थे. तो प्लांटेड, प्लेस समथिंग ऑन समवेयर, लगाए या गाड़े. नंबर नाइन इज स्क्रीम्ड. गिव अ लॉन्ग लाउड पियरसिंग साउंड. गिव अ लॉन्ग लाउड पियरसिंग साउंड, चिल्लाया. उर्दू मीनिंग है स्क्रीम्ड, चिल्लाया. स्क्रीम्ड, गिव अ लॉन्ग लाउड पियरसिंग साउंड, चिल्लाया. इसको आपने लूज शीट पर रख लेना है बच्चों और फिर इसको याद भी कर लेना है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.